जिले की सबसे संवेदनशील पूर्व विधानसभा में आज शाम मतदान के दौरान एक बार फिर विवाद हुआ। शीतला माई के पास बने मतदान केंद्र पर बैठे कुछ लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कांग्रेस पार्षद कल्लन गुप्ता का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर के लोगों ने उसके कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। कांग्रेस पार्षद की माने तो बीते चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर ने उनके घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसकी शिकायत समय रहते उसने पुलिस अधिकारियों से की थी। आज जब पार्षद कल्लन गुप्ता अपने कार्यालय में अपने भाई के साथ बैठा हुआ था, तभी अंचल सोनकर के सैकड़ों लोग उसके कार्यालय के पास आ धमके, जिसकी सूचना कांग्रेस पार्षद ने तुरंत ही पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांग्रेस पार्षद की मदद करने की जगह उनके साथ ही मारपीट कर दी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर के साथियों को गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस ने उन्हें वहां से भागने का पूरा मौका भी दिया। इधर इस पूरी घटना की सूचना जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया को मिली तो वो भी मौके पर पहुंच गए। कांग्रेस प्रत्याशी की माने तो पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए बर्बरता पूर्वक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। लखन घनघोरिया ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शासन निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में नहीं है। इधर एएसपी अरविंद त्रिपाठी ने धारा 144 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मैं अपने कार्यालय में बैठा था, विधायक अंचल सोनकर के गुंडे पूर्व में भी पिछले चुनाव के दौरान मेरे घर में भी मारा, मुझे भी मारने की धमकी दी। मैंने पहले भी अवगत कराया पुलिस प्रशासन को कि अगर मेरी हत्या या मेरे साथ हत्या के प्रयास होते हैं उसमें अंचल सोनकर दोनों पुत्र और उनका परिवार ही शामिल रहेगा। आज मैं अपने कार्यालय घर पर बैठा था, मेरा ऑफिस है यहाँ पर, मैं अपने परिवार के साथ अपने बेटे और अपने दोनों भाइयों के साथ बैठा था, भतीजों के साथ। उनके 200-400 गुंडे आए, हमने पुलिस को सुरक्षा के लिए बुलाया। जब हमने पुलिस को सुरक्षा के लिए बुलाया उन गुंडों को तो भगने का मौका दिया पुलिस ने, और मेरे परिवार के सारे सदस्यों को उन्होंने जी भर के मारा पुलिस ने। मुझे लगता है विधायक के बलपूर्वक एक तरफा कार्रवाई करता हूँ। मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, यदि मेरी हत्या होती है, मेरे परिवार के किसी सदस्य को हानि होती है, तो निश्चित तौर से विधायक अंचल सोनकर और उसके दोनों पुत्र कहीं ना कहीं उसमें भागीदार रहेंगे। और मिली है पुलिस ने हमारे जनरल कार्यालय में एक बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया हमारे कार्यालय में, और जिनकी शिकायत थी जो लोग आके बलात् यहाँ उत्पात मचा रहे थे उनको ना मार के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की है। ऐसा प्रतीत होता है कि शासन निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक चीज उनको याद रखना चाहिए कि इस प्रजातंत्र को पाने के लिए, लोकतंत्र को पाने के लिए कांग्रेसियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, ये चीज उनको ध्यान में रखना चाहिए। हम लाठी गोली से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पूर्वजों का इतिहास ये है कि हमारे पूर्वजों ने छाती पर गोली झेली है और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़े हैं। हमारा खून ऐसा नहीं है कि हम अपने लक्ष्य से अपने मार्ग से